हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप सैंकी आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और मैं ऐसा वीडियो लेके आता ही रहता हूँ, तो उस वीडियो में काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। तो काफ़ी लोगों ने हमें पूछा था कि गिटार के बारे में कुछ बताइए और गिटार को हम कैसे ले जा सकते हैं, तो वो आज फुल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। आज केवल गिटार की ही बात करूँगा इस वीडियो में कि आप गिटार को कैसे ले जा सकते हैं और चेक इन में भेजें या फिर कैबिन में भेजें। चेक इन में क्या फ़ायदा है और हमारा कैबिन में क्या फ़ायदा है, आज वो सब मैं अलग अलग करके समझाने वाला हूँ कि आपका जो गिटार है, क्योंकि गिटार का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो इससे हमारा जो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किस तरीके से आप अपना सेफ गिटार को अपने साथ ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी आज मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को ना लंबा करते हैं और वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक गिटार, गिटार को हम चेक इन करा के ले जाएं या फिर कैबिन में अपने साथ ले जाएं। जैसा कि दोस्तों, कि ट्रैवल करने से पहले हमें अपनी जो एयरलाइंस है वो पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एयरलाइंस हमें परमिशन कैबिन में ले जाने के लिए देती हैं, क्योंकि चेक इन करके तो एयरलाइंस हमें परमिशन दे ही देती हैं, हम ले जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें जरूर कि जो हमें कैबिन में कौन कौन सी एयरलाइंस हमें जो परमिशन दे देती हैं। बाकी जो एयरलाइंस हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ इंडिगो वगैरह हैं, वो आपको परमिशन दे देती हैं, विस्तारा वगैरह आप इस तरीके से ले जा सकते हैं। आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि गिटार है आपका, दो तरीके से आप गिटार को ले जा सकते हैं। अगर आप चेक इन से भेजेंगे तो चेक इन में क्या दोस्तों रहता है कि चेक इन में आपका जो गिटार है डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो एयरलाइंस के जो कर्मचारी हैं होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम समझते हुए किसी भी समय कैसा भी रख देंगे, क्योंकि गिटार का साइज बड़ा होता है, इससे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डैमेज होने की, तो वो इतनी सेफ्टी नहीं करते हैं, तो इससे हमारा गिटार डैमेज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों हमें क्या करना क्या है, तो हम कैबिन में अपने साथ आराम से ले जा सकते हैं। तो किस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान रखें कि गिटार जिस समय साथ में ले जा सकते हैं तो एयरपोर्ट पे थोड़ा, जहाँ वो आपका बोर्डिंग होता है, तो आप कर्मचारी से पहले बात कर लेना कि मेरे साथ जो गिटार है आप क्यों करेंगे उससे पहले बात। इसलिए बात आपको करनी है पहले, क्योंकि जो आपकी सीट के ऊपर जो कैबिन रहता है वहाँ का स्पेस रहता है, तो वो जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो आपके गिटार के बराबर का जो स्पेस है वो वहाँ आप क्लियर कर देंगे पहले से ही आपकी जो सीट के ऊपर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उसी टाइम पे जाते हैं, तो हो सकता है उस समय आपकी जो सीट के ऊपर जो स्पेस है आपको ना मिले और कम स्पेस में आप रख नहीं सकते, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आप बोर्डिंग के टाइम आप कर्मचारी से बात कर लें वहाँ जो होते हैं, तो इससे आपको यही फायदा है दोस्तों, वो आपकी पहले से स्पेस कर देंगे। तो चलिए, फिर इसके बाद आपको करना क्या है इस तरीके से, तो अब आपको जो एयरलाइंस है वो आपको सिलेक्ट करनी है कि आप किस एयरलाइंस से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में तो रखना ही होगा और आपको पता ही होगा कि किस एयरलाइंस, बाकी एयरलाइंस है जो इंडिगो वगैरह है, गो एयर है, तो इनमें तो आप गिटार ले जा सकते हैं कैबिन में, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं डोमेस्टिक फ्लाइट की बात कर रहा हूँ इंडिया के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से ले जाएँ, क्योंकि अगर हम चेक इन में भेजेंगे तो डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और एक बात और इसमें मैं बताना वाला हूँ, जैसे आपका जो 7 kg आपका अलाउड होता है जो चेक इन बैग, तो वो इंक्लूडेड आपका जो गिटार रहेगा और वो बैग का वेट 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप ले जा सकते हैं अपने साथ कैबिन में। यही डाउट था कि दोस्तों कि हम अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था हमसे, कि 2-4 लोगों ने पूछा था कि गिटार हम कैसे ले जाएँ, अगर ले जा सकते हैं कि नहीं, तो उनके लिए खासकर मैं ये टॉपिक लाया हूँ। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से बताया, इस तरीके से आप ले जाएं, तो कैबिन में आप ले जाएं, ध्यान रखें कि चेक इन में ना ले जाएं, चेक इन में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मैंने कम समय में आपको किस तरीके से सिर्फ गिटार अपना आप अपने साथ ले जा सकते हैं फुल इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।